अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर किम मास्टरमाइंड ट्रिक्स। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक इजी टॉपिक भी है और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि इससे बहुत से एमसीक्यूज आते हैं और स्टूडेंट को फिर इसमें डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। तो आज हम इस कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को भी टच करेंगे और साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर से किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, the number of accurately known digits and the first doubtful figure is called significant figure. Yahan pe do important point hai, the number of accurately known digits and the first doubtful figure, doubtful digit is called significant figure. Ab accurately known digit ka meaning kya hai aur doubtful digits ka meaning kya hai ye hum samajh lenge, lekin isse pehle aapko maine yahan pe instrument likhe hai aur iske least count likhe hai. लीस्ट काउंट का मीनिंग ये है कि इस ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लीस्ट कितना काउंट कर सकता है, यानी इससे और कम जो है ये इंस्ट्रूमेंट काउंट नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड में ये है, ठीक है, मैं तो आपको सिंपली समझा रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास सबसे पहला है मजरिंग टेप, मजरिंग टेप का लीस्ट काउंट हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है 10 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह मीटर राड का जो है ये 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर 0.01 मिलीमीटर। अब मैंने यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट इन इंस्ट्रूमेंट की क्यों पढ़ाया, क्योंकि इन लीस्ट काउंट से सिग्निफिकेंट फिगर में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब लेट्स सपोज हमारे पास तीन बंदे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीनों को मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया कि ये इन डिवाइस से मजर करें। जब तीनों ने मजरिंग टेप से वो जो ऑब्जेक्ट मैंने दिया था वो मजर किया, तो एक का आंसर आया 32 सेंटीमीटर, एक का आया 33 सेंटीमीटर, एक का आया 31 सेंटीमीटर। मैंने इन तीनों बंदों को कहा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये सबसे पहले मजरिंग टेप से मजर करे, फिर मीटर राड से, फिर वर्नियर कैलिपर से और फिर स्क्रू गेज से। जब इन्होंने ये रीडिंग लिया मजरिंग टेप से, तो एक ने कहा कि 32 सेंटीमीटर है, दूसरे ने कहा कि 33 सेंटीमीटर है और तीसरे ने कहा कि 31 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये 3-3 जो है इन तीनों में कॉमन है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्यूरेट एक्यूरेटली नोन डिजिट, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्यूरेटली नोन डिजिट कहते हैं। और ये क्या है, ये यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने क्या पढ़ा, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर। तो ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है और ये फर्स्ट डाउटफुल फिगर है, हमने ओनली ये फर्स्ट लिखा है, इसके बाद हमारे पास दूसरा डाउटफुल फिगर नहीं है। तो यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हमने यहां पे एक्यूरेटली नोन डिजिट लिया और फर्स्ट डाउटफुल फिगर लिया। अब जब तीनों ने ये मजरमेंट ए बी सी, ये हमारे पास जो बंदे हैं, मैंने इनको कहा कि मजरमेंट कराए, तो इन्होंने जब मजरमेंट मीटर राड से किया, जब इन्होंने मजरमेंट मीटर राड से किया, तो इनको पता चला कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये है 32.1 सेंटीमीटर, 32.2 सेंटीमीटर, 32.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 32 यहाँ पे 33 था, 32 था, 31 था, जब इन्होंने मीटर राड से मेजरमेंट किया तो तीनों को पता चला कि ये 32 था। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट इराइज हुआ,
एक ने कहा कि 32.1 सेंटीमीटर है, दूसरे ने कहा कि 32.2 सेंटीमीटर है, और तीसरे ने कहा 32.3 सेंटीमीटर है। 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है मीटर रॉड जो है इसका लीस्ट काउंट जो है, इसका जो ये लीस्ट काउंट है ये 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर के 1/10 तक मेजर कर सकता है, और ये ओनली 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। ये 0.9 सेंटीमीटर मेजरिंग टेप से हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0.9 जो है ये 1 सेंटीमीटर से लो है। और मैंने आपको कहा कि लीस्ट काउंट का मीनिंग ये है कि हम इस डिवाइस से इससे और कम नहीं मेजर नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर है मीटर राड का, तो इसका मीनिंग ये है कि हम 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर मेजर कर सके, तो ये 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे तीनों ने मीटर राड से मेजरमेंट किया, मीटर राड से, तो ये वैल्यू आया। अब यहाँ पे ये दो जो है ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है, ये तीनों में कॉमन है, क्या है, ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और ये जो है ये डाफ्टफुल फिगर है। ये क्या है, ये डाफ्टफुल फिगर है। ये डाफ्टफुल डिजिट है, तो यहां पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे अब हमारे पास इन तीन वैल्यू में तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ते द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने मेजरिंग टेप से मेजर किया तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, जब हमने मीटर रॉड से मेजर किया तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। लेट्स अब हम वर्नियर कैलिपर से इसका मेजरमेंट करते हैं। तो इन तीनों बंदों ने अब इनका मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से किया। जब इन्होंने वर्नियर कैलिपर से इसका मेजरमेंट किया 32.21, 32.22, 32.23 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर से ये मेजरमेंट किया। जब इन तीनों ने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया तो इन तीनों को पता चला कि ये जो 32.2 था ये करेक्ट था, लेकिन यहां पे एक पॉइंट अराइज हुआ कि एक ने कहा कि 32.21 सेंटीमीटर है, दूसरे ने मेजर किया तो इनको लगा कि ये 32.22 सेंटीमीटर है, तीसरे को लगा कि क्या है 32.23 सेंटीमीटर है। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका मेजरमेंट 1/100 ऑफ द सेंटीमीटर है, ये एक सेंटीमीटर के 1/100 तक मेजर कर सकता है, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा जो है कम है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा लो वैल्यू तक मेजर कर सकता है एज कंपेयर टू मीटर राड एंड मेजरिंग टेप। तो यहां पे अब अगर हम देखें तो ये तीन वैल्यू जो है ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और ये जो है ये क्या है, ये फर्स्ट डाउटफुल फिगर है। तो यहां पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है जब हमने इस वैल्यू को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया। अब तीनों ने कहा कि भाई लास्ट हम स्क्रू गेज से जरूर मेजर करेंगे कि ये वैल्यू कितना है। जब इन्होंने स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया तो आंसर आया 32.21 सेंटीमीटर। अब जब इन तीनों ने स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया तो तीनों को पता चला कि ये 32.21 है, लेकिन यहां पे एक ने कहा कि 32.213 है, दूसरे ने कहा कि ये 32.212 है, और तीसरी ने कहा कि ये 32.211 है। अब यहां पे ये जो है अब यहां पे अब अगर हम देखें तो ये 4 एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और ये लास्ट जो है ये डाफ्टफुल फिगर है। तो यहां पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब हमने एक ही वैल्यू को 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर आए। तो अब हम अपने टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक से स्क्रीनशॉट लें।
अब मैंने तो आपको समझाया, अब एमसीक्यूज करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें से। तो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबल मेजर वैल्यू बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। व्हाट विल बी द पॉसिबल मेजर वैल्यू, कहता है कि इनमें से पॉसिबल मेजर वैल्यू कौन सा होगा जब हम वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन है 5.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 9.2 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 8 मिलीमीटर। तो जब हम वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते करते हैं तो क्या करते हैं वर्नियर कैलिपर, ये यहाँ पे मैंने लिख कर है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5.2 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट किया गया है मीटर राड से, क्योंकि ये इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर मीटर राड का है। ये जो है 7 मिलीमीटर, ये वैल्यू भी मीटर राड से मेजर किया गया है, क्योंकि मीटर राड का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर है। ये जो वैल्यू है इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब और ये जो है 8 मिलीमीटर, ये भी मीटर राड से किया गया है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब लीस्ट काउंट आपने किस तरह पॉइंट करनी है कि यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है, यहाँ पे पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 1 फिगर है सेंटीमीटर में। तो अगर हम मीटर राड के लीस्ट काउंट को देखें तो मीटर राड के लीस्ट काउंट में पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 1 फिगर है, तो ये लीस्ट काउंट है, ये जो वैल्यू है मीटर राड से मेजर किया गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो है मिलीमीटर में दिया है, अब अगर हम देखें मीटर राड को तो मीटर राड में 1 मिलीमीटर जो है इसका लीस्ट काउंट है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पॉइंट वगैरह नहीं दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू मिलीमीटर में दिया है और पॉइंट से राइट हैंड साइड पे 1 फिगर है, तो अगर हम इसको देखें तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 1 फिगर वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट में है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यू आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा एमसीक्यू है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 35.567 सेंटीमीटर मेजर बाय एडवाइस व्हिच इज प्रिसाइज अप टू 100 ऑफ द सेंटीमीटर। कहता है कि इस फिगर में जो फिगर दिया है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जब हम इसको एक डिवाइस के थ्रू मेजर करें और इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है ये 1/100 ऑफ द सेंटीमीटर है। अब 1/100 ऑफ द सेंटीमीटर हम फाइंड करते हैं, 1/100 ऑफ द सेंटीमीटर, इस जीरो की जगह ये 1 है, इस जीरो की जगह भी जीरो लग गया और 1 की जगह पॉइंट लग गया, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो कितना आया, हमारे पास लीस्ट काउंट आया 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हमें पता है कि किस चीज का है, वर्नियर कैलिपर का। तो इसमें ऑलरेडी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने फिगर को काउंट कर लेना है, 2 फिगर को काउंट कर लेना है। तो 1, 2 और पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने फिगर काउंट करना है, 2 फिगर को, 2 डिजिट को सॉरी। तो हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अब हम रूल्स पर सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं और एक एक रूल पे स्टेप वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और फास्ट फेवर की भी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और अपने खुद की भी एमसीक्यूज आपको देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको लिख ले। तो स्टूडेंट मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर का डिफिनीशन क्लियरली समझाया और सिग्निफिकेंट फिगर के डिफिनीशन में मैंने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। अब हम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर में बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, आज हम आपको इन एमसीक्यूज के बारे में बताएंगे और इन एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक रूल्स को पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला रूल्स है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट क्या है, नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 1 से लेकर 9 तक जितनी भी डिजिट है, इंक्लूडेड 1 एंड 9, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अब दूसरा रूल्स हमारे पास है, 0 मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो 0 किन केसेस में सिग्निफिकेंट हो सकता है और 0 किन केसेस में सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 किन केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता।
जो जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट. जब जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है सिग्निफिकेंट फिगर का तो जीरो इन केसेस में नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होता है. लेट्स 2.0.021. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जीरो लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पे ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे ओनली हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर है 2 and 1. तो इस होल फिगर में हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर है. इस तरह अगर हम देखें तो 0, 7 तो 0, 7 जो है यहाँ पे ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है 7, क्योंकि ये जो जीरो है ये लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर है. तो इस वजह से हम अपने रूल्स में पढ़ते हैं कि जीरो जब लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो वो जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है. अब जीरो किन केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है तो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. जब जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच होता है तो इन केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है. अब मैं आपकी इसका एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये जो जीरोस है ये नॉन जीरो डिजिट की बीच है तो यहाँ पे ये जीरोस क्या है ये सिग्निफिकेंट है. तो एज अ होल अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है स्टूडेंट, अब जीरो राइट हैंड साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर होता है या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता तो जीरोस जो है जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, जीरो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है और नहीं होता भी. ठीक है, अब किन केसेस में जीरो राइट हैंड साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर का जो है सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा तो जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट एंड डेसिमल फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. जब हमारे पास एज अ होल पूरा फिगर डेसिमल फिगर होता है, डेसिमल फिगर का मीनिंग है कि इसमें डेसिमल पॉइंट होता है और इन केसेस में जीरो राइट हैंड साइड पे होता है तो इन केसेस में हमारे पास जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा. अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूँ 2.0, यहाँ पे हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि एज अ होल अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास डेसिमल फिगर है. डेसिमल फिगर का मीनिंग ये है कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट है. ठीक है, और ये जो जीरो राइट हैंड साइड पे है इससे लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिग्निफिकेंट फिगर भी है. तो हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास पूरा फिगर डेसिमल फिगर होता है और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट होता है तो इन केसेस में हमारे पास जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है. एज अ होल इस फिगर में हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है. अब अगर हम 2.20 ले तो यहाँ पे भी हमारे पास टू सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जीरो जो है ये डेसिमल फिगर में और इससे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है सिग्निफिकेंट डिजिट से तो इस वजह से ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, अब जीरो किन केसेस में जो है राइट हैंड साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है और नहीं होता भी. जीरो टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है और जीरो इसके राइट हैंड साइड पे होते हैं इन नॉन डेसिमल फिगर और फिगर हमारे पास नॉन डेसिमल होता है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो जीरो इन केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता भी. ठीक है, अब किन केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है और किन केसेस में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता तो सबसे पहले हम इनका एक रूल पढ़ते हैं. इफ लीस्ट काउंट इज नॉट गिवन, अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया हो देन जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट इन नॉन डेसिमल इन इज नॉन सिग्निफिकेंट. लेट सपोज 2000, अगर हम 2000 को देखें तो ये डेसिमल फिगर नहीं है. ठीक है, और जीरो यहां पर राइट हैंड साइड में है. अब अगर एज अ होल पूरा फिगर डेसिमल ना हो और जीरो राइट हैंड साइड पे दिया हो, ठीक है, तो आपको लीस्ट काउंट का ख्याल रखना है. अगर लीस्ट काउंट दिया है तो फिर डिपेंड करते हैं कि कितनी जीरो सिग्निफिकेंट है कितनी नहीं है, वो अब हम आगे रूल में पढ़ेंगे. लेकिन अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया हो तो फिर जितनी भी जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास एज अ होल अगर देखा जाए तो ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है और वो हमारे पास क्या है, 2 है, क्योंकि ये जो जीरोस है ये राइट हैंड साइड पे है, नॉन डेसिमल है एज अ होल अगर हम देखें और लीस्ट काउंट भी नहीं दिया है. इस तरह अगर हम 20 1 10 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है
ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब जीरो दो नॉन सिग्निफिकेंट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच होता है तो जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये इस वजह से नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये राइट साइड पे है, लिस्ट काउंट नहीं किया है तो हम इसको जो है सिग्निफिकेंट नहीं काउंट कर सकते, तो इस वजह से हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है इस होल नंबर में। अब ये जो रूल है इसमें 2009 में और 2012 में दो एमसीक्यूज आ चुके हैं ईटा में। अब हम इन एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे रूल भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस एक स्क्रीनशॉट ले। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे दो एमसीक्यूज लिखे और ये दो एमसीक्यूज सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। एक 2009 में आ चुका है और एक 2012 में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2009 में जो एमसीक्यूज आया है वो है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एन 4.0030 एज। तो अगर हम देखें इस फिगर को तो हमने रूल्स में पढ़ा कि जब जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के बीच होता है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये दोनों जीरो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ये भी रूल पढ़ा है कि जब पूरा फिगर हमारे पास डेसिमल हो तो यहाँ पे क्या है फोर पॉइंट है, पॉइंट लगा है, तो ये पूरा फिगर हमारे पास डेसिमल हो गया। हमने ये भी रूल पढ़ा है कि जब हमारे पास पूरा फिगर डेसिमल होता है तो राइट साइड पे जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब अगर हम देखें तो इस फिगर में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा एमसीक्यू भी इस तरह का है और ये 2012 में आ चुका है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट एक्स इज, मेजरमेंट एक्स दिया है और कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 10.00300। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये फिगर जो है ये भी इज अ होल डेसिमल फिगर है, ये जो जीरोज है ये नॉन जीरो डिजिट की बीच है, तो हम पढ़ते हैं कि जब जीरो नॉन जीरो डिजिट की बीच होता है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, तो ये थ्री जीरो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हो गए। अब ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब इज अ होल फिगर डिसिमल होता है तो राइट हैंड साइड पे भी जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो हमारे पास अगर हम देखें इज अ होल तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे अपने रूल्स पढ़ेंगे और आगे के रूल्स में भी बहुत से एमसीक्यूज आया है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमने जीरोस के लिए स्पेशल रूल्स पढ़े, अब हमारे पास जो जीरोस के लिए लास्ट स्पेशल रूल है वो ये है कि जब हमें लीस्ट काउंट दिया हो और जीरोस जो है वो राइट हैंड साइड पे हो और पूरा फिगर नॉन डेसिमल हो तो इनमें जीरो सिग्निफिकेंट होता है या सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो अगर हमें 8000 kg मेजरमेंट है, हम एक 8000 kg मेजरमेंट हमने की और हमारे पास लीस्ट काउंट 1 kg है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे और इसका साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हम इस तरह लिखेंगे 8.000 मल्टीप्लाई बाई 10^3 kg। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये मेजरमेंट जो हमने की है, जो हमारे पास 8000 kg है ये मेजरमेंट है और हमारे पास डिस्काउंट 10 kg है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आपने लीस्ट काउंट का पहला फिगर जो है पहला डिजिट जो है इसको इग्नोर करना है और बाकी सारे डिजिट से चाहे जो भी डिजिट हो इनका एक एक डिजिट काटना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 है तो 10 का पहला डिजिट 1 है, 1 को इग्नोर करना है और इसकी एक जीरो से इसका एक जीरो काटना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट रह गए 3 डिजिट, तो हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है और इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में इस तरह रखे। अगर हम साइंटिफिक फॉर्म को इसका देखें तो इसके साइंटिफिक फॉर्म में यहाँ पे 8.002 लिखे है, एक जीरो भी काट दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आपने इस तरह लिखना है। इस तरह अगर हमारे पास ये जो मेजरमेंट है 8000 kg और इसका डिस्काउंट जब हमने इसको मेजर किया तो हमारे पास जो मेजरिंग डिवाइस था इसका डिस्काउंट अगर हमारे पास 100 kg होता इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होते, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है कि पहले डिजिट को इग्नोर करना है बाकी के डिजिट को इसका एक डिजिट काटना है। तो पहले डिजिट को इग्नोर किया, एक जीरो से इसका एक जीरो काट दिया और एक जीरो से इसका एक जीरो काट दिया, तो हमारे पास 80 रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास 80 में दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो फिगर रह गए, दो डिजिट रह गए, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर है और इसको हम 8.0 × 10^3 kg लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपका अपना एक एमसीक्यूज बनाया है
हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 1300 एग्स, हमारे पास कितने एग्स है, 1300 एग्स है, और इसका इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है जब हमने इनको ग्रुप ऑफ डोजन में काउंट किया। ग्रुप ऑफ डोजन मीन जब हमने हमारे पास लिस्ट काउंट कितना है, 12 एग्स, एक डोजन में हमारे पास 12 एग्स होते हैं। जब हमने 12 एग्स काउंट किए और हमारे पास कितने एग्स थे, 1300, तो कहते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करें। तो मैंने आपको अभी रूल बताया कि आपने क्या करना है, आपने पहला डिजिट इग्नोर करना है और इसके डिजिट बाकी डिजिट से इसका एक डिजिट काटना है। तो हमारे पास एक डोजन में 12 एग्स होते हैं, तो पहला डिजिट हमने इग्नोर किया और 2 से इसका एक जीरो काट दिया, तो ये 130 रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है, तो एज अ होल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल रह गया और 2 और रूल रहे, वो भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट अब हमारा जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन का रूल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है बात स्टूडेंट के लिए, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन का रूल है, इफ मेजरमेंट आर एडेड आर सब्स्ट्रैक्टेड देन द फाइनल रिजल्ट कंटेन नो मोर डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द नंबर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जब हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं या किसी भी नंबर को सब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो दो नंबर तो हमेशा एक जैसे नहीं होती। लेट्स सपोज अगर एक जैसे भी होते, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, इन दो नंबर को हम ऐड करते या सब्सट्रैक्ट करते हैं, इन दो नंबर में जिस नंबर का डेसिमल प्लेस सबसे कम है, तो फाइनल रिजल्ट में भी इतने डेसिमल प्लेसेस होंगे। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे पास एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है, एक वैल्यू सी है। वैल्यू ए है 3.732, वैल्यू बी है 7.26, वैल्यू सी है 8.2। हमसे कहता है कि इन तीन वैल्यू ऐड करें और इसकी जो रिजल्ट है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो मैंने आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन की रूल्स में पढ़ा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो ये आया 2, 3 + 6 = 9, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, तो ये कैरी हुआ 3 + 7 = 10, 11, 11 + 8 = 19, 1, 2, 3, तो पॉइंट यहां पे ले गया, तो हमारे पास आंसर आया 19.192। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी मेजरमेंट का एडिशन करते हैं, तो इसकी एडिशन में जिस नंबर का सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा इसमें भी इतने डेसिमल प्लेसेस होंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 फिगर्स है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 2 फिगर है, और यहाँ पे हमारे पास 8.2 है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 1 फिगर है। तो हमारे जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका लास्ट वैल्यू में हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे ओनली 1 फिगर होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 3 फिगर है, तो हम इसको 1 फिगर तक राउंड करेंगे। जब हम इसको 1 फिगर तक राउंड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.1 है। अब हम यहाँ तक राउंड अप करते हैं और ये 92 है, तो 92 इज ग्रेटर, सो वी कैन इंक्रीज 1/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.2, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों हमने इसको 19.192 से 19.2 किया, क्योंकि हमारे पास जो रूल्स है वो हमें बताता है कि जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है आपके एडिशन में, फाइनल रिजल्ट में भी इतना होगा। तो हमारे पास 8.2 में ओनली 1 डेसिमल प्लेस है, तो इस वजह से हमने ये इस तरह किया। ठीक है स्टूडेंट, अब मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में, डिवीजन में सॉरी, इफ मेजरमेंट आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइड देन द लास्ट रिजल्ट कॉन्टेन नो मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मसला है, फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम किसी दो नंबर के, किसी दो फिगर के
मल्टीप्लीकेशन करती है डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये दो फिगर है, हम इन दो फिगर का क्या करते हैं, हम इन दो फिगर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इन दो फिगर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इस 6.3 में है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमें रूल बताता है कि जब हम किसी भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं डिवीजन करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में इतनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है जितने हम इन जो दो मेजरमेंट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा छोटा सिग्निफिकेंट नंबर है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जिस नंबर में, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 6.3 में है। तो जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6 3 0 0 3 6 और 18 1 3 8 0 24 plus 1 25 6 0 0 6 6 are 30 6 6 are 36 तो 6 कैरी हुआ और 3 यहाँ पे आया, 6 8 are 48 6 8 are 48 plus 3 तो हमारे पास आया 31। तो 0 8 plus 0 8 5 plus 6 11 1 2 3 4 तो ये हमारे पास आया, ये जो आंसर हमारे पास आया ये आया 54.180 हमारे पास आंसर ये आया। लेकिन हमने पढ़ा कि हमारे जो लास्ट रिजल्ट होगा इसमें इतनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी जितने हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 2। तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, ये जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास सिंपली 54 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम जब इसको राउंड अप करते हैं तो ये 5 से स्मॉलर है ये वैल्यू, तो इस वजह से ये 4 इंक्रीज नहीं होता, तो हमारा आंसर है 54, ठीक है स्टूडेंट। अब ईटा में इन दो रूल्स पे एमसीक्यूज भी आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे लास्ट 2 रूल्स है और इसके साथ साथ एमसीक्यूज है। तो हमारे पास एक रूल है कॉन्स्टेंट एंड एग्जैक्ट नंबर है एंड फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट एंड एग्जैक्ट नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 4 5 6 7 जितनी भी डिजिट्स है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो 32 है, 35 है, 36 है, ये हमारे पास जो है ये इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। यस, 35, 32, 36 ये हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 32 का मीनिंग ये है कि 32.000000, हमें जीरो का पता नहीं कि इसमें कितने जीरो से, 35 का भी यही मतलब है कि 35.000000, हमें जीरो का भी पता नहीं। तो कांस्टेंट एंड एग्जैक्ट नंबर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आपको 32 सेंटीमीटर दिया जाए तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट, 2। इसका मीनिंग ये है कि ये सेंटीमीटर में मेजर कर चुका है, तो मेजरमेंट जब कोई भी मेजरमेंट करता है तो इसमें एक एक्यूरेटली नोन डिजिट होता है और एक डाउटफुल फिगर डिजिट्स होता है, जो मैंने आपको पहले टॉपिक के स्टार्ट में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हो या कोई भी 10 kg दिया हो तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये जो है यहाँ पे इसको मेजर किया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास अगला रूल है पावर ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 हमारे पास क्या है, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं। इसका क्या मीनिंग है, हमने 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑफ पावर माइनस 3 वहां पे पढ़ा जो जीरो के रूल्स थे। अब यहाँ पे ये 10, ये जो 3 है और ये जो 10 है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, और इसके अलावा ये जो है इसके लिए हम रूल अप्लाई करेंगे। तो ये हम यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 8 तो ऑलरेडी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, ठीक है स्टूडेंट। 0.0000 का जो है ये जो 0.00 है ये डेसिमल जो है ये पूरा डेसिमल फिगर है, और ये जो जीरोज है ये राइट हैंड साइड पे है, ये क्या है, ये राइट हैंड साइड पे है सिग्निफिकेंट फिगर का। अब अगर हमें 30 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 kg दिया जाए तो हमने पढ़ा कि पावर ऑफ 10 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसका तो किस्सा खत्म हो गया। लेकिन ये जो 30 है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है,
वन सिग्निफिकेंट फिगर इस वजह से है कि हम यहाँ पर हमारे पास क्या तरडी है, क्या है तरडी है। तरडी का मीनिंग ये हुआ कि ये जो जीरोज है इस होल ये फिगर, इस फिगर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास नॉन डेसिमल फिगर है, जीरो राइट हैंड साइड पे है और हमें लीस्ट काउंट नहीं दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है वन सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पे इस रूल्स पे ईटा में बहुत से एमसीक्यूज आ चुका है, ईटा 2014 में इस पे एक एमसीक्यूज आ चुका है। इस एमसीक्यू से आपको एक बात समझ में आती है कि जितने भी लेंथ की एमसीक्यूज होते हैं हम इसको छोड़ जाते हैं कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन हकीकत में जितने भी लेंथ की एमसीक्यूज है वो सबसे इजी होते हैं। देखिए इस ये कितना लंबा एमसीक्यूज है और बहुत ज्यादा इजी है। कहते हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट वन मेजर द मास ऑफ मॉस्किटो इज 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10^4 माइनस 5 kg, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस इज। कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी ने मॉस्किटो का मास मेजर किया तो मॉस्किटो का मास कितना था, हमसे कहते हैं कि इसके मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने पढ़ा कि पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये तो चला गया 1.20। हमने डेसिमल में पढ़ा है कि जब डेसिमल फिगर होता है तो इसके राइट हैंड साइड पे जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत इजीली सॉल्व हुआ। इसी तरह ये ईटा 2006 में ई एम सी क्यूज आ चुका है और ईटा 2008 में ई एम सी क्यूज दोबारा रिपीट हो चुका है। देखिए रिपीटिशन भी ईटा में होता है, तो ई एम सी क्यूज क्या है, ये रिपीट हो चुका है, तो ई एम सी क्यूज है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10^8 माइनस 8 मीटर पर सेकंड। कहता है कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पावर ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी डेसिमल है, तो हमने पढ़ा कि डेसिमल में जीरो राइट हैंड साइड पे सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ये जो जीरो है ये जीरो जो है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच है, तो इस वजह से अगर ये डेसिमल भी नहीं होता तो सिग्निफिकेंट होता, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब लास्ट एमसीक्यूज है जो ईटा 2011 में चुका है, इसका ये जो एमसीक्यूज है ये है F7.635 and 4.81 are two significant figure ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, year multiplication and significant digits में इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 36.72435 36.72436.7। तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के रूल्स में बताया कि मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास लास्ट जो रिजल्ट आएगा इसमें इतनी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जितने हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन की जरूरत इस गेम सीक्वेंस में नहीं होता। देख अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करता और आंसर बता देता हूँ, या ये जो है इसमें अगर हम देखें 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें अगर हम देखें 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट होगा इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बिना कैलकुलेशन के हमने बताया कि आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अल्लाह।